In this video section, we will discuss Padma Awards for 2021. If you find this video informative, please do like, share and subscribe to our channel. So let's begin. Recently, 26 January ko 72nd Republic Day ke din Padma Awards announced kiye gaye hain. Padma Awards 3 categories mein diye jaate hain. Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. Padma Vibhushan second highest civilian award hai India ka. Padma Bhushan third highest civilian award hai India ka. एंड पद्मश्री फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया और जो फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में वो है भारत रत्न. पद्म अवार्ड्स ये हर साल 26 जनवरी को अनाउंस किए जाते हैं रिपब्लिक डे के दिन और ये दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में. एक सेरेमोनियल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है उसमें मार्च या अप्रैल में ये हर साल दिए जाते हैं. इसके साथ ये अवार्ड्स अलग अलग फील्ड्स में जैसे आर्ट्स, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, मेडिसिन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, साइंस, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड सिविल सर्विसेज एटसेट्रा के लिए दिए जाते हैं. इन फील्ड्स में इनके एक्सेप्शनल वर्क, डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज और हायर ऑर्डर अचीवमेंट्स के लिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं. इस साल 119 अवार्ड्स जो है वो अनाउंस किए गए हैं. इसमें एक ड्यू केस भी है जिसमें से 7 पद्म विभूषण है और 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री. 119 में से 29 अवार्डीज जो है वो वुमेन है. 16 अवार्ड विनर की जो है वो डेथ हो चुकी है, उनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिए जाएंगे. और जो 10 अवार्डीज हैं वो फॉरनर, एनआरआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और इसमें एक ट्रांसजेंडर को भी अवार्ड दिया जाएगा. तो चलिए अवार्ड लिस्ट देख लेते हैं. सबसे पहले पद्म विभूषण श्री सिंजो आबे, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 2012 से 2020 तक. हेल्थ इश्यूज के वजह से इन्होंने रिजाइन दे दिया था. ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जापान के और ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के. इन्हें पब्लिक अफेयर्स फील्ड के लिए पद्म विभूषण दिया जाएगा. और जो सेकंड रेसिपिएंट है वो है एसपी बालसुब्रमण्यम. एसपी बालसुब्रमण्यम एक इंडियन म्यूजिशियन, प्लेबैक सिंगर, टेलीविजन एंकर, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर, डबिंग आर्टिस्ट, फिल्म प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं. उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, मलयालम फिल्म्स में काम किया है. इन्हें 2001 में पद्मश्री दिया गया था, उसके बाद 2011 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और अभी मरणोपरांत इनको 2021 में सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण दिया जाएगा. इन्हें बहुत सारे नेशनल अवार्ड और स्टेट अवार्ड्स दिए जा चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जिसमें 6 नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, हिंदी, और इसमें 25 आंध्र प्रदेश स्टेट नंदी अवार्ड्स भी हैं जो तेलुगु सिनेमा के लिए दिए गए और बहुत सारे कर्नाटका और तमिलनाडु में इन्हें अलग अलग स्टेट्स में और भी बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं. इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते हैं और 6 फिल्म फेयर साउथ में भी जीते हैं और इनके नाम पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है. इन्होंने 40,000 से अधिक सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं और साथ ही साथ इन्होंने 12 घंटों में 21 गाने कन्नड़ लैंग्वेज में फरवरी 1981 में रिकॉर्ड किए थे और साथ ही साथ इनके नाम 19 तमिल गाने और 16 हिंदी गाने एक ही दिन में रिकॉर्ड करने का भी रिकॉर्ड इनके नाम पे. इन्हें 2012 में एनटीआर नेशनल अवार्ड भी दिया गया था और इन्हें 2016 में फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर भी चुना गया था, जिसके लिए इन्हें सिल्वर पिकॉक मेडल दिया गया था. इनके इन सब एक्सेप्शनल वर्क के लिए इस साल इन्हें पद्म विभूषण दिया जाएगा. जो थर्ड रेसिपिएंट है वो है बेले मुनप्पा हेगड़े. बेले मुनप्पा हेगड़े ये एक कार्डियोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल एजुकेटर एंड ऑथर भी है. ये वाइस चांसलर रह चुके हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी के और को चेयरमैन रह चुके हैं वीएचएस डायबिटिक रिसर्च सेंटर चेन्नई के और ये चेयरमैन भी रह चुके हैं भारतीय विद्या भवन मैंगलोर के और इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है मेडिकल प्रैक्टिसेस और एथिक्स पे और साथ ही साथ ये एडिटर इन चीफ भी रह चुके हैं मेडिकल जर्नल जर्नल ऑफ साइंस ऑफ हीलिंग आउटकम्स के और इन्हें 1999 में डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड भी दिया गया और इन्हें 2010 में पद्म भूषण दिया गया था और इस इन्हें पद्म विभूषण भी दिया जाएगा. फोर्थ रेसिपिएंट है नरेंद्र सिंह कंपानी. इन्हें फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी बोला जाता है. आज के टाइम जो हम फास्ट कम्युनिकेशन के लिए जो हम फाइबर ऑप्टिक्स का जो यूज करते हैं वो इन्हीं की देन है. एक भारतीय मूल के अमेरिकन नागरिक एक फिजिसिस्ट है. इनके एक्सेप्शनल वर्क के लिए फाइबर ऑप्टिक्स की फील्ड में इसके लिए इन्हें इस साल पद्म विभूषण दिया जाएगा और इन्हें 1999 में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर जो पब्लिश हुई थी उसमें इन्हें 7 अनसंग हीरोज में रखा गया था. अगर हम फाइबर ऑप्टिक्स की बात करें तो फाइबर ऑप्टिक्स में लाइटनिंग स्पीड से डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है. वो सब कुछ इन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाया. इनकी इसी इन्वेंशन की वजह से टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो है एक तरह से रेवोल्यूशनाइज हुई है. जो नेक्स्ट रेसिपिएंट है वो है वहीदुद्दीन खान. ये एक मौलाना, एक इंडियन इस्लामिक स्कॉलर है. इन्होंने कुरान के ऊपर कमेंट्री लिखी है जिसको इन्होंने बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था
और इन्हें रिसेंटली 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम में इंक्लूड किया गया था वर्ल्ड के। इस साल इन्हें भी पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। जो सिक्स रेसिपियंट है, ब्रज बासीलाल, ये इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट है, ये डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1968 से 72 तक, और इन्होंने एज ए डायरेक्टर भी वर्क किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला में है, और इन्होंने यूनेस्को की बहुत सारी कमेटीज में भी सर्व किया हुआ है। और इनका जो स्टॉन्स था बाबरी मस्जिद को लेके, कि बाबरी मस्जिद के नीचे जो हिंदू टेम्पल के जो कॉलम मिले उसके लिए इनको काफी क्रिटिसाइज किया गया था, काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा था उनका ये पब्लिकेशन। इन्हें ऑलरेडी 2000 में पद्म भूषण दिया जा चुका है और इन्हें अब 2021 में पद्म विभूषण दिया जाएगा। इन्होंने रामायण से रिलेटेड जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है एक्सकेवेशन रिसर्च कर चुके हैं। इन्हें 2000 में पद्म भूषण दिया गया था और इस साल इन्हें पद्म विभूषण दिया जाएगा। और जो सेवंथ और जो लास्ट रेसिपिएंट है पद्म विभूषण के, वो है सुदर्शन साहो। ये एक स्कल्पचर है जो स्टोन, वुड और फाइबर ग्लासेस को लेके स्कल्पचर बनाते हैं। इन्होंने 1977 में सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद इन्होंने सुदर्शन आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज भुवनेश्वर में 1991 में उड़ीसा गवर्नमेंट की हेल्प से एस्टेब्लिश किया था, जहाँ पे गुरुकुल सिस्टम के थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है एक क्रिएटिव एनवायरमेंट में ट्रेडिशनल स्कल्पचर बनाने के लिए। आर्ट की फील्ड में इनके एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इस साल इन्हें पद्म विभूषण दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें पद्म भूषण की, पद्म भूषण जो है वो 10 लोगों को दिया गया इस साल, जिसमें मिसेस कृष्णन अय्यर, शांता कुमारी, उनकी आर्ट की फील्ड में उनके एक्सेप्शनल वर्क के लिए उन्हें पद्म भूषण दिया जाएगा, वो केरला से बिलोंग करते हैं, और श्री तरुण गोगोई जो असम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और ये 2001 से 2016 तक असम के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं असम के, इन्हें पब्लिक अफेयर्स के लिए इस साल पद्म भूषण दिया जाएगा। मरणोपरांत श्री चंद्रशेखर कामरा, इन्हें लिटरेचर और एजुकेशन के लिए इस साल पद्म भूषण दिया जाएगा, ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, और मिसेस सुमित्रा महाजन, ये फॉर्मर लोकसभा स्पीकर है, इन्हें पब्लिक अफेयर्स के लिए पद्म भूषण दिया जाएगा, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और श्री नृपेंद्र मिश्रा, इन्हें सिविल सर्विसेज के लिए, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और श्री रामविलास पासवान, ये फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रह चुके हैं और ये बिहार से बिलोंग करते हैं, इस साल इन्हें पद्म भूषण दिया जाएगा। मरणोपरांत इनकी डेथ हो चुकी है 2020 में। श्री केशुभाई पटेल, इनकी भी डेथ हो चुकी है, इन्हें भी मरणोपरांत पद्म भूषण दिया जाएगा पब्लिक अफेयर्स के लिए, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। और जो नेक्स्ट है श्री कालबे सिद्दीकी, इन्हें स्पिरिचुअलिज्म के लिए पद्म भूषण दिया जाएगा और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इन्हें भी मरणोपरांत अवार्ड दिया जाएगा। श्री रजनीकांत देवदास राव, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए पद्म भूषण दिया जाएगा, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और श्री त्रिलोचन सिंह, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इन्हें पब्लिक अफेयर्स के लिए पद्म भूषण दिया जाएगा। इसके बाद पद्मश्री, इसमें आपको कुछ एक जो इम्पोर्टेंट्स है जिसमें NRIs इंक्लूड है उनको याद रखना, और कुछ एक अदर नेम्स है उनको अगर आप याद रखना चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते। इसमें एक इम्पोर्टेंट है जो है ट्रांसजेंडर 51 पे माथा भी मांजमा ज्योति, ये एक ट्रांसजेंडर है, ये फोक आर्टिस्ट है जो कर्नाटक स्टेट से बिलोंग करते हैं, इनको भी इस साल पद्मश्री दिया जाएगा। इसके बाद जो एक नाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, हिमाचल प्रदेश एग्जाम के अकॉर्डिंग HPPSC एंड HPSSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है श्री करतार पारस राम सिंह जी, जो एक मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इकलौते रेसिपिएंट हैं पद्मश्री के इस साल हिमाचल प्रदेश से। करतार पारस राम सिंह जी जो बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से, वो एक बैम्बू आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अराउंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटोटाइप्स बनाए हैं बैम्बू स्टिक से, जिसमें आईफिल टावर, क्रोकोडाइल, कैनन, टेम्पल्स एंड हट्स, और कुछ एक प्रोटोटाइप्स हैं वो उन्होंने बॉटल्स के अंदर बनाए हैं, जिसमें शिप चेयर, पोर्ट्रेट ऑफ गांधी जी इंक्लूडेड है। इनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इनके एक्सेप्शनल वर्क्स के लिए। मिनिएचर आर्ट की फील्ड में एज ए बैम्बू आर्टिस्ट उसके लिए इस साल इन्हें पद्मश्री से नवाजा जाएगा। इससे पहले 2019 में हिमाचल प्रदेश से एपिडेमियोलॉजिस्ट उमेश कुमार भारती एंड प्रोफेसर जगत राम जी को पद्मश्री दिया गया था 2019 में। इसके बाद जो कुछ एक नाम बचते हैं वो आप लोग देख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।